हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पूर्व से बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का बयान सामने आया, समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा पर उन्होंने पलटवार किया। किसानों को इस साल से ही इसका लाभ मिलना चाहिए, ये कहा उन्होंने। साथ ही ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को तत्काल इसकी घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान समर्थन मूल्य के उचित लाभ से वंचित हैं। सीएम ने समर्थन मूल्य 2500 से बढ़ाकर 2800 रुपए करने की कल बात कही थी और उसके बाद अब इस पर बयान आया है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्र के समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद में किसानों की राशि पहुंच गई है और इसलिए इसी वर्ष 2800 रुपये राज्य सरकार को किसानों के खाता में डालने चाहिए, जिससे समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को मिल सके। तो आपको बता दें, कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सीएम हाउस में इस बात का ऐलान किया था कि बहुत जल्द अब चुनाव आते आते किसानों को 2500 रुपये की जगह 2800 रुपये जो धान की खरीदी की कीमत मिलेगी। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो घोषणा या जो बात सीएम ने कल कही है उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए या त्वरित तौर पर ही इसे लागू किया जाना चाहिए। प्रिया हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी है। प्रिया, जिस तरीके से कल सीएम भूपेश बघेल ने अपने सीएम हाउस में जो बात कही, आज उस पर बयान आया धर्मलाल कौशिक का, क्या मायने निकाले जाए, क्या इसे लेकर और भी राजनीति आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, धान खरीदी बस कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाली है, लेकिन इसको लेकर सियासत जो है वो तरीके से शुरू हो गई है। कल पूजा के पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि चुनाव आते आते किसानों को 2800 रुपए तक समर्थन मूल्य जो है वो मिलेंगे और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो योजना शुरू की है उसके तहत अभी से किसानों को इतनी राशि मिलनी चाहिए, यानी कि अभी से किसानों को 2800 रुपए समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। इसमें राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है, केंद्र सरकार की योजना के कारण राज्य के किसानों को इतना लाभ मिलेगा, लेकिन राज्य उस पर अपना नाम लिखकर अनु तक पहुंचा रही है, जबकि ये सारा काम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। लगातार जब से धान खरीदी की चर्चा शुरू हुई है राहुल, तब से ही हम देख रहे हैं कि धान खरीदी पर राजनीति जो है वो जारी है। इसको लेकर कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भी कहा है कि लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो किसानों के लिए काम कर रही है और उसी क्रम में ये घोषणा किया गया है। केंद्र सरकार से कोई राज्य सरकार को यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं मिलती, ये सारी पहल जो है वो खुद छत्तीसगढ़ सरकार की है। हालांकि धान खरीदी लगभग 15 तारीख से शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और उस वक्त किस तरीके से समर्थन मूल्य को लेकर और बातें होंगी ये देखना होगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। लेकिन एक बार फिर से धान की कीमत को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में जो बातें कही थी उसे लेकर अब पलटवार किया है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने। जो कहा उन्होंने यही है कि जो बात सीएम ने कही है उसे त्वरित तौर पर तत्काल लागू किया जाए और ज़्यादा वक्त का इंतज़ार ना करते हुए तुरंत किसानों को राशि दी जाए।